अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने चिकन लेना है, तकरीबन हाफ के जी है मेरे पास चिकन। और टमाटर लिए मैंने दरमियाने साइज़ की, 6 टमाटर हैं तकरीबन, इनको हमने बड़े क्यूब्स में काट लिए। हाफ कप हमने दही ली है और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास लहसुन है 1 टेबलस्पून पिसी हुई, अदरक है तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं 6 से 8 आप सब्ज़ मिर्चें ले लें, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है, सब्ज़ धनिया है, नमक है 1 टेबलस्पून और हल्दी है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके अलावा सुरख मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास, ये क्रश्ड रेड चिली है और कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ गरम मसाला। और ये हमने अदरक स्लाइस में काटी है, इसको हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो ये हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं देसी घी, 2 टेबलस्पून है हमारे पास देसी घी। चलिए हम इसको बनाते हैं। जी तो सबसे पहले हमने पैन रखा है गर्म होने के लिए, इसके अंदर हम अपने चिकन डाल देंगे। इसके साथ ही हम टमाटर, अदरक, बहुत हल्की सी आंच पे रखा है मैंने इसको, बहुत हल्की सी आंच पे, लहसुन, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सुरख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 सब्ज मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे, 1/2 हम एंड में डालेंगे। सारी चीजों को हम मिक्स करके हल्की सी आंच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, बहुत हल्की सी आंच पे। देखिए मैंने बहुत कम आंच पे रखा है इसको, टमाटर पानी छोड़ देंगे तो उसी में ये चिकन गल जाएगी। जी तो फ्रेंड्स ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी गल गई है बिल्कुल। देखो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1/2 कप, तकरीबन 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले हमने इसको आहिस्ता आंच पे कुक किया था, अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ और इसको भूनूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल कवर करके रखा हुआ था, बिल्कुल इसको हिलाया नहीं है, तो मैंने दरमियान में ढक्कन उठाया था, इसको हिलाया था। अगर आपको लगता है कि नीचे लग जाएगी तो आप इसमें 1/2 कप पानी डाल लें, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि मैं नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ तो इसमें नीचे लगने का खतरा नहीं है। अगर आप किसी और बर्तन में कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर सकते हैं।
अच्छी तरह से हमें इसको भूनना है। चार से पांच मिनट हम इसको भूनेंगे। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि ये सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और घी नहीं निकल के आ जाता, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे दही डाल के। तो फ्रेंड्स हमें इसको तेज आंच पे अब भून लेना है। देखिए जल्दी से खुश हो रही है इसकी और घी निकल रहा है, तो हम अच्छी तरह से भून लेंगे, सारा पानी इसका खुश हो जाए। तो देखिए घी निकल रहा है, पानी खुश हो चुका है तकरीबन। अब मैं आखिर में इसके ऊपर सब्ज मिर्चें डाल दूंगी और सब्ज धनिया, अदरक के स्लाइसेस हमने काटे थे वो डालेंगे, और बिल्कुल एंड में हम इसके ऊपर डालेंगे देसी घी। ये डालने के बाद इसको मैं तकरीबन एक मिनट के लिए सिर्फ हम इसको नम दे देंगे बस, ताकि ये जो देसी घी हमने डाला है ये मेल्ट हो जाए। हल्का फ्लेम हल्का कर लेंगे और एक मिनट के लिए इसको नम दे देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये तो फ्रेंड्स हमने इसको डिश आउट कर लिया है। गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको ज़ीरा रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें, साथ में तंदूर की रोटी हो तो बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आप इसको पसंद करेंगे। प्लीज़ इसको बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दें, और प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।